बिल्कुल माय डियर फ्रेंड, अभी आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स चैनल राजेंद्र कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। जहां मिलते हैं आपको मैथमेटिक्स रिलेटेड अनेक टाइप का वीडियो। और अभी हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन बैंक 2020 का ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन, जिसके पहले लेक्चर में मैंने 30 तक सॉल्यूशन कर चुके हैं और आज पुनः 31 सॉल्यूशन कर रहे हैं, पूरी बेहतरीन थ्योरी, बेहतरीन क्वेश्चन, बेहतरीन ट्रिक के साथ। राइट, थ्योरी भी डिस्कस करते जाएंगे क्या इसका प्रोसेस बनता है जो। राइट, चलिए देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। इफ ए स्क्वायर इफ बी द नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3×3, मतलब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट 0 नहीं हो। राइट, और जिसका डिटरमिनेंट 0 आ जाएगा वो सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। जरा देखिए यहां पे लिखा गया है, इसका एक थ्योरी है कि जब n ऑर्डर का रहेगा, n ऑर्डर का मतलब n स्क्वायर मैट्रिक्स का रहेगा, क्लियर। तो इसका मतलब है कि इसका जो होगा एडजॉइंट a का डिटरमिनेंट जो है a के डिटरमिनेंट्स के 1 पावर कम होता है। मतलब अगर मान लिया 3 रो 3 कॉलम का मैट्रिक्स रहा तो इसका एडजॉइंट का डिटरमिनेंट जो है 1 के डिटरमिनेंट्स के 1 पावर कम होगा। अगर 4 रो 4 कॉलम का मैट्रिक्स रहेगा तो इसका एडजॉइंट का डिटरमिनेंट जो है 1 डिटरमिनेंट्स के 1 पावर कम जाएगा। मतलब अगर हम इसका पूछें तो एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट्स पहले देख लीजिए कितना और कितना कॉलम का है, 3 और 3 कॉलम का है, तो उसका जो है 3 और 3 कॉलम का उसका डिटरमिनेंट 1 के स्क्वायर के बराबर होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, बी बनेगा। राइट, चलिए 32 नंबर क्वेश्चन लिखा गया है, द मॉडुलस ऑफ द वेक्टर 7i-2j+k। किसी भी वेक्टर का मॉडुलस निकालना होगा तो उसका मॉडुलस जो होता है i का कोफिशिएंट का स्क्वायर और j का कोफिशिएंट का स्क्वायर और k का कोफिशिएंट का स्क्वायर, अर्थात 49 + 4 + 1, अर्थात देखिएगा 54, जो ऑप्शन नंबर कुछ बनेगा क्या, ऑप्शन नंबर देखिएगा हो क्या, यहां पे ऑप्शन नंबर हो सकता है, यहां पे आ जाएगा 3√6, यानी ऑप्शन नंबर ए बन सकता है। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33, द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इसका इस डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे जरा देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड एक्स प्लस वाई इक्वल टू टेन एक्स। तो ये फॉर्म लाने के लिए सबसे पहले इस डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में करना होगा, डीवाईडी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, इस फॉर्म में लाना होगा। तो इस फॉर्म लाने के लिए पहले डीवाईडी एक्स को हटाना होगा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स कोफिशिएंट है जो, तो उसको लिए डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड कर देंगे तो डीवाईडी एक्स प्लस वन वाई कॉस स्क्वायर एक्स इंटू वाई, और यहाँ पे टेन एक्स के डिवाइड में भी लिखाया क्या, कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखिए यहाँ पे डीवाईडी एक्स और वन वाई कॉस स्क्वायर क्या लिखाएगा, सेक स्क्वायर एक्स इंटू वाई, और यहाँ पे हो गया टेन एक्स, और कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स। वाई का कोफिशिएंट है जो पी कहलाएगा, जहां लिखा है क्या, सेक स्क्वायर एक्स इंटू, देखिए, और जो बराबर के साइड में रहेगा वो क्यू कहलाएगा, जो यहां लिखा है क्या, टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। अब यहां पे एक चीज ध्यान रखना है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर का एक फॉर्मूला होता है ई के पावर इंटीग्रेशन पी इंटू डी एक्स, ई के पावर पी, पी मेरा है सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब ई के पावर सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन एक्स, जो ऑप्शन नंबर ए पर बनेगा। राइट, यही इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखिए क्वेश्चन 34 में क्या लिखा है कि रूट टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो रूट टेन एक्स का डिफरेंशिएशन देख लेते हैं, सबसे पहले यहां पे चैन रूल का सॉल्यूशन करेंगे। चैन रूल का मतलब है कि रूट को पहले डिलीट किया, नीचे आ जाएगा टेन एक्स, इसी पार्ट को ऊपर ले जाएंगे और टेन को डिलीट करेंगे डी एक्स। राइट, अब यहां पर देखिए रूट एक्स का डेरिवेटिव होगा 1/2√x, यानी रूट टेन एक्स, और टेन का डेरिवेटिव होगा सेक स्क्वायर एक्स। मतलब इसको हम फाइनली रिजल्ट लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स 2√10x, जो सामने दिखा क्वेश्चन, यानी सेक स्क्वायर 2√10x, यानी ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन बनेगा बी बनेगा। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए 35 नंबर क्वेश्चन जरा देखा जाए। इंटीग्रेशन 0 to 2 ई के पावर एक्स बाई टू, यानी ई के पावर एक्स बाई टू का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो देखिएगा ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स ही होता है, लेकिन एक्स का जो कॉफिशियंट है 1/2 होगा, जो यहां लिखेंगे, और अपर लिमिट मेरा 2 है और लोअर लिमिट
जीरो है, तो ये टू तो सबसे ऊपर चला जाएगा जो यहाँ पे कांस्टेंट पार्ट है, और ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट। तो इसमें हम एक काम करेंगे कि अपर लिमिट एक बार हम टू पुट कर देंगे, टू बाई टू माइनस एक बार लोअर जीरो पुट कर देंगे, राइट। तो यहाँ पे जरा सोल्यूशन में देखिएगा, टू इंटू ई के पावर वन, और किसी भी नंबर के पास जो वन होता है, यानी ये रहा फाइनल रिजल्ट जो ऑप्शन नंबर ए पर बनेगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा 36 नंबर क्वेश्चन। लिखा गया है द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वाई एक्सिस। अब देखिएगा इस कंडीशन में कि किसी भी टर्म में अगर डायरेक्शन कोसाइन पूछा जाए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो एक चीज हमेशा ध्यान में रखना है क्या कि एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन वन होगा और बाकी सभी जीरो होगा, वाई एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन जीरो वन जीरो, और जेड एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन जीरो जीरो वन, मतलब जिसका पूछा जाएगा उसका वन होगा बाकी सभी का जीरो होगा। तो देखिए वाई एक्स का डायरेक्शन कोसाइन पूछा जा रहा है तो जीरो वन जीरो होगा, तो जीरो वन जीरो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, डी, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा 37 नंबर क्वेश्चन। इफ ए बी सी आर इन ए पी, यानी ए पी के लिए एक फॉर्मूला होता है टू बी इक्वल्स टू ए प्लस सी, याद रखिएगा, देन द वैल्यू ऑफ डिमांड्स, ये वाला पार्ट। तो इस पार्ट में हम सॉल्यूशन जरा कैसे करेंगे थोड़ा ध्यान से देखिएगा, कुछ टर्म और कंडीशन है जो याद रखना है, ध्यान रखना है। हम एक काम कर रहे हैं कि फर्स्ट रो, इसको बोलते हैं फर्स्ट रो, और इसको बोलते हैं सेकेंड रो, और इसको बोलते हैं थर्ड रो। अब ये तीनों रो है तो हम फर्स्ट रो और थर्ड रो को ऐड करते हैं, और सेकेंड रो में दो से मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट करते हैं। देखिए कैसे करना है, जरा थोड़ा ध्यान से देखना है इसकी पूरी प्रक्रिया को, ज्यादा बढ़िया होगा। तो फर्स्ट रो और थर्ड रो को हम ऐड कर रहे हैं, तो x और x मेरा आ जाएगा यहाँ पे क्या आएगा 2x, और 1 और 3 आ जाएगा 4, और सेकेंड रो में 2 से मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट करना है, 2 से मिला के सबट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हुआ और घट माइनस कर देना है 2x और माइनस 4, तो ये कटेगा और ये भी कटेगा, तो कट के कितना आ जाएगा मेरा 0 आ जाएगा। सिमिलरली x और x मिलके क्या आ जाएगा 2x, और 2 और 4 क्या होगा 6, और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस करना है 2x माइनस 6, ये कैंसिल ये कैंसिल, तो आ जाएगा क्या मेरा 0। ऐसा ही x और x मेरा आएगा 2x और a प्लस सी माइनस 2x माइनस 2b, ये दोनों कैंसिल होगा तो बचेगा पार्ट क्या a प्लस सी माइनस 2b, राइट। और सेकेंड रो है एज इट इज, राइट, सेम प्रोसेस फिक्स, क्लियर। अब यहां पे एक फॉर्म है, एक फॉर्म क्या है कि थोड़ा सा ध्यान रखना है कि a प्लस सी माइनस 2b है, देखिए यहां लिखा हुआ है, जिसमें से हम एक काम कर सकते हैं कि a प्लस सी का वैल्यू हम निकाल चुके हैं 2b, यहां क्या 2b और माइनस 2b है, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा ये 0 आ जाएगा। तो यहां पे लिख सकते हैं क्या कि ये 0 है, ये 0 है, a प्लस सी माइनस 2b का वैल्यू कितना आ गया 0 आ गया, राइट। और x प्लस 2, x प्लस 3 और x प्लस b, सिमिलरली x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 6। अब किसी डिटरमिनेंट्स में एक रो या एक कॉलम अगर सेम रहे तो डायरेक्ट डिटरमिनेंट्स क्या लिखाएगा 0 लिखाएगा, जो ऑप्शन क्या बनेगा a बनेगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा 38 नंबर क्वेश्चन। देखिएगा इंटीग्रेशन a से लेकर के रूट dx रूट थ्री और डीएक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है क्या टैन इनवर्स एक्स, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन टैन इनवर्स एक्स, यहां पे रूट थ्री और यहां वन, तो एक बार अपर लिमिट पुट देंगे रूट थ्री माइनस एक बार लोअर लिमिट वन पुट किया जाएगा, तो टैन इनवर्स रूट थ्री का, टैन इनवर्स रूट थ्री का वैल्यू होता है पाई बाई थ्री, और टैन इनवर्स वन का पाई बाई फोर, और इसका एलसीएम होता है 12, तो यहाँ 4 पाई माइनस 3 पाई अर्थात पाई बाई 12, जो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा ऑप्शन नंबर ए बनेगा। और 39 नंबर क्वेश्चन लिखा है द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, यानी आर के रिस्पेक्ट में इसका एरिया क्या चेंज करेगा जब आर दिया हुआ 6 सेंटीमीटर, राइट। देखिएगा तो सबसे पहले क्या है कि एरिया बराबर सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर होता है, और इसका हम डिफ्रेंशिएट करते हैं आर के रिस्पेक्ट में, तो कांस्टेंट पार्ट बाहर होगा और ये आर के रिस्पेक्ट में,
तो ये पाई और आर स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2r, यू गेट डी ए वाई डी आर। ये डी आर जो है ये साइड में नहीं, आर के रिस्पेक्ट में जो है ना ये है टर्म, तो यहाँ पे r के रिस्पेक्ट में तो हो गया, लेकिन यहाँ पे r का तो वैल्यू दिया हुआ है, r का वैल्यू मेरा दिया हुआ है कितना, r का वैल्यू है 6, यानी इसका जगह 12 पाई, क्या जगह 12 पाई, यानी 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। तो ये और 12 पाई यानी ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, बी बनेगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 40, अब देखिएगा इसमें कैसे इंटीग्रेट करेंगे। तो इसका इंटीग्रेट करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है कि साइन स्क्वायर साइन एक्स क्यूब और यहां डीएक्स, जो एंगल है उसको मान लेते हैं जेड, एक्स क्यू इक्वल टू जेड, तो एक्स क्यू का डिफ्रेंसिएशन होता है 3x² और dz by dx, जिसमें dx को यहां 3 को यहां कर देते हैं, तो x² dx और 1/3 dz का फॉर्म। अब इसमें जरा आइए इस फॉर्म के लिए, तो साइन हो गया, अब यहां पे एक्स क्यू का वैल्यू जेड हो गया, x² dx का वैल्यू कितना है 1/3 dz, अब यहां पे 3 तो बाहर हो गया, लेकिन साइन का इंटीग्रेशन क्या हो गया माइनस कॉस जेड प्लस सी, माइनस 1/3 कॉस और जेड का वैल्यू कितना है एक्स क्यू प्लस सी, राइट। यानी सी के जगह पर हम के भी लिख सकते हैं, तो माइनस 1/3, यानी ये हो गया ऑप्शन नंबर ए बनेगा, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चलिए क्वेश्चन देखिएगा 41 क्या है, डिफ्रेंसिएशन करना है e के पावर cos x x के रिस्पेक्ट में, तो कैसे बनेगा जरा देखिए। पहले इसका हम चैन रूल पर टर्म सेट करते हैं, यहीं पे जरा देख लीजिएगा e के पावर cos x है, तो e को डिलीट किया, नीचे आ जाए cos x, इसी पार्ट को ऊपर ले जाएंगे और ये हो गया डेट dx। अब यहां पे ध्यान रखिए e के पावर x का डेरिवेटिव e के पावर x होगा और cos का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन, राइट। अर्थात लिख सकते हैं माइनस साइन एक्स और e के पावर cos x जो सामने दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर क्या बनेगा बी पर बनेगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए 42 नंबर क्वेश्चन क्या है, a वेक्टर दिया गया है और b वेक्टर दिया गया है और दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो डॉट प्रोडक्ट का मतलब है कि देखिएगा i के साथ i करेंगे, तो i डॉट i यहां पे 12 होगा, z डॉट z माइनस 10 एंड k डॉट k प्लस 3, इसका वैल्यू जो आएगा 12 प्लस 3 यानी 15 माइनस 10 इक्वल्स टू 5, यानी ऑप्शन बनेगा क्या d बनेगा। अब जरा देखिएगा साइन 4x का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा 43 में, तो साइन 4x का डिफरेंस करने के लिए पहले साइन को डिलीट करेंगे, यहां पे 4x आ जाएगा, इसी को ऊपर डेट क्या होगा dx। अब यहां पे साइन का डेरिवेटिव क्या होगा cos 4x और 4x क्या होगा ओनली 4, यानी लिख सकते हैं 4 cos 4x जो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा 4 cos 4x ऑप्शन नंबर बी बनेगा। अब यहां भी जरा देख लीजिएगा रूट एक्स का इंटीग्रेशन, तो रूट एक्स का इंटीग्रेशन कितना है एक्स के पावर 3/2 और 3/2, 2 चला जाएगा ऊपर और 9/4, तो ये 2/3 तो बाहर होगा, लेकिन एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे और माइनस एक बार लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो अपर लिमिट जब पुट किया जाएगा जरा देखिएगा 2/3 तो है, अब यहाँ पे 9 को लिख सकते हैं 3 के पावर 2 और यहाँ 3/2 और 4 को लिख सकते हैं 2 के पावर 2 और यहाँ पे 3/2, अब ये कटेगा और ये भी कटेगा, तो लिख सकते हैं 2/3 और यहाँ 3 के पावर 3 यानी 27 माइनस 2 के पावर 3 यानी 8, अर्थात इसको लिख सकते हैं 2/3 यहाँ पे 19 आ जाएगा, यानी 38/3 यानी ऑप्शन क्या बनेगा ए बनेगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा 45 नंबर क्वेश्चन, 45 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 6/11, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 5/11 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी और 7/11, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का एक फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, जिसमें से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 6/11, बी है 5/11 और ए यूनियन बी है 7/11, तो इसका एलसीएम तो हो जाएगा 11, 6 प्लस 5 माइनस 7 यानी 11 माइनस 7 तो 4/11, यानी ऑप्शन क्या बनेगा ए बनेगा, राइट। तो इतना ही क्वेश्चन जो है आज 2020 का
15 क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया, क्वेश्चन 30 से लेकर 45 तक, फिर नेक्स्ट वीडियो में 40 से लेकर के पूरा क्लियर किया जाएगा। ऐसा ही टोटल क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन चल रहा है पूरी बेहतरीन तरीका के साथ, राइट। चलिए आज इतना ही, विशेष नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, पढ़ते रहिए क्वेश्चन बैंक का पूरी सोल्यूशन, राइट।